बच्चों का बाप बन गया हूं मैं। ये क्या बाजरा है, ये क्या तमाशा है? बाबूजी, मैं देखता हूं। बेटा चिक्की, ये चिक्की कौन है? गुड़िया, तो ये चिक्की चिक्की, तो ये है चिक्की है? मेरी मम्मा का, मेरे मम्मा के पास जाना है। बेटा रोते नहीं है, तुम्हारी मम्मा आती होगी। ऐसे क्या घूर रहा? अरे बच्ची रो रही है तो किसी को तो चुप कराना पड़ेगा ना उसे। और बच्ची ने मिस्टर कौशिक कहा है और यहाँ पर सब मिस्टर कौशिक है। ओ तेरी की, अजय बागड़ की कसम, अजय बिट्टू जी तो भूल ही गया था। अजय बिट्टू जी भी मिस्टर कौशिक है। हाँ बेटा हाँ। तो आप मेरे पापा हो? तुम्हारा पापा। वो जी बाबागढ़ की कसम, जितने भी यहाँ बैठे ना, सबके सब मिस्टर कौशिक। ये उत्कर्ष भाई साहब, ये भी मिस्टर कौशिक ही है। बिट्टू क्या तुम भी? नहीं नहीं बेटा, बेटा हम सब मिस्टर कौशिक हैं। हाँ लेकिन हम तुम्हारे पापा नहीं, ये भी मिस्टर कौशिक है। तो आप मेरे पापा हो? बेटा मैं मिस्टर कौशिक हूँ, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। ये भी मिस्टर कौशिक हैं। हो सकता है ये तुम्हारे पापा हो, है ना? क्या दिमाग खराब हो गया तेरा आदि? मैं बेटा मैं तुम्हारा पापा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक्चुअली ये, हाँ ये भी मिस्टर कौशिक है। कार्तिक तू ये, अरे मैं कैसे, मैं खुद बच्चा हूं, मैं बच्चे का बाप कैसे हो सकता हूँ? बेटा देखो मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे 6 पापाज हैं। मम्मा को बुलाओ, मम्मा चाहिए। अरे वो तो हमें भी चाहिए बेटा, तभी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कितना मजा आया ना? वो तो है अम्मा साहब, और हमारी मेहनत भी सफल हो गई। हम लोगों ने बहु ओलंपिक्स जीत लिया और जयपुर में हमारा नाम भी हो गया। चला अबे घर चलते। अरे क्या कर रही है? घर चल के बात करते हैं ना, घर चलते। अरे ये क्या हो रहा है? ओए मम्मी जी, ऐ तो ना मिसेस गुप्ता है। लेकिन ये गुप्ता जी को इस तरह धुनाई क्यों कर रही है? ये आप क्या कर रही हैं? इनसे पूछो, इनसे दो साड़ियां करके रख गए। दो देखिए बहन जी, घर चल के बातें करिए ना, इस तरह से ये। अरे चुप रहो आप, हमारा घर का मामला है, आप मत बोलो। अरे इसको तो ऐसे ही सीधा कर लो, घर चल के बात करते। ऐसे लोगों को ना कभी माफ ही नहीं करना चाहिए, बदतमीज। चलो 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 को ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। देखो कितनी हैप्पी हो गई। आप लोग को पता है चिक्की बहुत शैतान है, बहुत बकबक करती है। हाँ बेटा चिक्की बहुत बकबक करती है। आप लोग को पता है
चिक्की का बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड? मैं सोच रही हूँ इसकी शादी करा दूँ। कहीं कोई गड़बड़ है, इस बच्ची को और इसकी माँ को कोई गलत फहमी है। पता नहीं किसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। पता तो करना पड़ेगा ना किसकी बच्ची है भाई। वो केक किसके लिए है? ये केक सेलिब्रेशंस के लिए है। जो भी हो, मुझे ये केक पसंद नहीं है। अच्छा, हमारे बाबूजी ने बनाया था। कोई अच्छा केक लाना था ना। ठीक है बेटा, आगे से जब भी केक लाएंगे ना, हम आपसे पूछ कर ही लाएंगे। गुड बॉय। गुड बॉय। बेटे, आपका नाम क्या है? आशीष कौशिक। ऑरेंज ड्रिंक, चिकन को ऑरेंज अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ ब्लैक वाला कोल्ड ड्रिंक पीती है, मुझे वही चाहिए। लाओ कार्तिक, वो काला वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, वो फ्रिज में रखा। जाओ। मम्मी का नाम क्या है? यकीन नहीं होता कि गुप्ता भाई साहब भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ माँ सर, दिखने में कितने शरीफ और हरकतें। ची ची ची। गहना भाभी, इन मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं। रब दिसो, इनकी नियत ना कभी भी किसी पर भी फिसल सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। न घर को केड़ा छोड़ना चाहिए, न घर वाले को। मने तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो मासा। करंटिया भाभी, व्हाट हैपेंड? करंटिया भाभी, आप शिबू भैया को लेकर परेशान हो? करंटिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे बच्चे गुप्ता जी की तरह नहीं है। अरे वो तो पराई औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। चलो। मेरी मम्मी का नाम मम्मी है। मम्मी? बेटा, आपकी मम्मी का नाम तो मम्मी है, लेकिन मम्मी का कोई और भी नाम होगा ना, जैसे आपका नाम है आशीष कौशिक। पर मन नहीं है बताने का। मम्मी का नाम बता दो। देखिए देखिए, चिक्की मना कर रही है। आप लोग ना खुद से पता कर लो। अजू बता दो इसकी मम्मी का नाम, जिसको पता है। नहीं, आशी एक गुड गर्ल है। जैसे हमने आशी की बात मानी, मानी ना उसे ब्लैक कोल्ड ड्रिंक दिया, वैसे आशी बेटा भी हमारी बात मानेगी, हमें अपनी मम्मी का नाम बताएगी। राइट? शेम शेम, मम्मी का कोई नाम रहता है? आप लेते अपनी मम्मी का नाम? गंदी बात होती है। जी बात तो एकदम सही कह रही है जी, मासा का नाम हमने आज तक नहीं लिया। इतनी बात आपकी मम्मी ने नहीं सिखाई? मैं भी अपनी मम्मी का नाम नहीं लेती। I'm good girl, you're a bad boy। अभी चिक्की और मैं थक गए हैं, मुझे फ्रेश होना और कपड़े भी चेंज करने। मुझे ठीक है बेटा। उत्कर्ष, जय से ले जा
इसे कपड़े बदलवा दे। भौजी लेकिन मैं क्यों? अरे तो तेरे दो दो बेटियां हैं ना। हाँ हाँ भैया जाइए जाइए, भौजी ठीक कह रहे हैं। हाँ एक्सपीरियंस है आपको। जा रहा हूँ। जाओ बेटा मिस्टर कौशिक के साथ जाओ। मुझे तो लगता है ये भाई साहब की बच्ची है। हाँ बाबूजी, आप हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम पांच नालायकों के सिवा मेरी और कोई औलाद नहीं हो सकती। इसलिए चुपचाप बताओ इस बच्ची का बाप कौन है? बताओ। इसका मतलब तुम सबको इस बच्ची का बाप होने से इनकार? हाँ बिल्कुल एकदम। इसमें पूछने की क्या बात है? तो ये बच्ची कहाँ से है? पापा आप पहले उत्कर्ष भैया से पूछ लीजिए, पहला हक तो उन्हीं का बनता है। सबने देखा कि बच्ची को कैसे लेके गए वो साथ में। हाँ बच्ची एकदम सही कह रहा। करते बच्ची भी उनसे काफी खुली मिली सी लग रही थी। बिल्कुल अजीब पक्का उत्कर्ष भाई साहब की होगी। तुम लोगों को ये मजाक लग रहा है? अरे जीती जाती बच्ची का सवाल। हमें लगता है कि पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या कहते हो शिबू? हाँ 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 पुलिस पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन करके आता हूँ। आप क्या फोन करोगे? आप खुद पुलिस हो ना। ये पहन लो, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। शी, कितना गंदा कलर है इसका। कोई दूसरा फ्रॉक दो ना। ये अच्छा है? आपको कलर सेंस नहीं है क्या? बेकार है ये फ्रॉक। कोई अच्छा कलर दिखाओ ना। दूसरा दिखाता हूँ। एक काम करो, माताजी किसको बोला आपने? नहीं किसी को नहीं। It's okay. बेटा अब वो कबर्ड है ना, उसमें खूब सारे कपड़े हैं, जो चाहिए वो ले लो जाओ। हाँ आता हूँ। बेटा ये ना नया है तो बाद में पहनेंगे। नहीं मुझे यही पहनना है। न्यू ड्रेस जब बाहर घूमने जाते हैं तब पहनते हैं, है ना? मैंने कहा ना मुझे ये। रो मत, ये मैं यहां रख देता हूं।
ये रहा डब्बा, ये रहा ड्रेस, लो ये पकड़ो, कर लो चेंज, पहन लो। आप बुद्धू हो? क्यों? मैं गर्ल हूँ ना। हाँ। आपके सामने कैसे ड्रेस चेंज करूं? आपको समझ में नहीं आता? बाहर निकलो। जी, जाता हूँ। ओके फाइन। भैया क्या हुआ? क्या बच्ची है, एकदम कमाल है। अरे जितना हमारे घर की पांच बहुओं के नखरे नहीं होंगे ना, उतने इस अकेली के हैं। अब तो बस जल्द से जल्द इसकी माँ आए और इसे लेकर जाए, वरना हम लोग कैसे संभालेंगे? ये तो बच्ची है, इसे संभाल लेंगे, लेकिन जब तुम्हारी माँ साहब अपनी पांच बहुओं के साथ वापस आएंगी तो उन्हें कैसे संभालेंगे? अरे क्या बताएंगे कि किसकी बच्ची है ये? आपकी बच्ची है मिस्टर कौशिक की, और क्या? अरे चुप, तुम सब मिस्टर कौशिक हो, याद दिलाऊं क्या फिर से? मैं कैसी लग रही हूँ? देखो मैंने चेंज कर लिया। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है। अजी बाय गॉड की कसम, आप में से जिस किसी की ये बच्ची है ना, अजी बहुत ही प्यारी है। हाँ क्या कहा तूने? अजी मेरा मतलब हम में से। ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? मम्मी जी मैं जरा घंटे बजा के देखती हूँ। अरे निम्मी देवी जी के भक्त, जब निम्मी देवी जी यहाँ पधारेंगी और इस बच्ची को यहाँ पे देखेंगी तो तुम्हारी पूजा करेंगी ना, आशीर्वाद देंगी तुमको। जी वो तो बिट्टू जी का वध कर देंगी। जी वो क्या बोलते हैं, दुर्गा माता बनके। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? जी अब क्या करें भाई, गॉड की कसम। बाबूजी निम्मी भाभी आपने बिल्कुल सही कहा था, मर्दों का ना कोई भरोसा ना से। करंटिया बाकी बच्चे भी ट्यूशन से आ गए होंगे, पता नहीं उन्हें किसी ने खाना वाना पूछा भी होगा कि नहीं। चिक्की को बहुत नींद आ रही है, से सोना है, इसी के बिना नींद नहीं आती, और बिस्तर भी साफ चाहिए। बिस्तर भी मिलेगा और एसी भी, चलो मेरे साथ चलो। अच्छा है उनके आने के पहले ये सो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो बेटा इसका बैग, एक मिनट। हाँ दे दे। चलो बेटा जा 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 जा। चलो चलो मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। दरवाजा कौन खोलेगा रे? अरे बाबूजी आप खोलिए ना। सा क्या सा इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? बाबूजी आप भी ना। सा ये आपने हम सब लोगों के लिए किया? बहुत खूबसूरत है। माँ साहब मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ ये होगी ये नहीं पता था। हाँ, वो
भाई आप लोगों ने मैच जीत कर कितना बड़ा काम किया, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। कितना सोना सजाया बाबूजी आपने, तो कमाल कर दिया। हाँ बहू